लर्न वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है राशिद और आप देख रहे हैं अपना ही टेक्निकल प्लस यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप टच रीटच एप्लीकेशन को फ्री में कैसे करके डाउनलोड कर सकते हो। तो इस बात पर यार इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करोगे टच रीटच तो आपको वहाँ पर जो है एप्लीकेशन मिलेगी 125 रुपीज़ की। बिल्कुल सही सुना आपने, 125 रुपये आपको जो है उसके डेवलपर को पे करने पड़ेंगे, उसके बाद आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्री में इसको कैसे करके डाउनलोड कर सकते हो। तो जिन लोगों को नहीं पता यार टच रीटच एप्लीकेशन क्या है और किस काम में आती है, तो वो वीडियो को लास्ट तक देखें, सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले यार आपको मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज यार इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही ढेरों सारे वीडियो आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वो एप्लीकेशन मैंने पहले से ही डाउनलोड करके इसलिए मैं उसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि वो एप्लीकेशन किस काम में आता है। तो जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करोगे आपको यहाँ पे जो है इस तरह का कुछ ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको जो है एक परमिशन अलाउ करनी है, तो यहाँ पे आप अलाउ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला जो ऑप्शन है वो है एल्बम का और सेकंड जो ऑप्शन है वो ट्यूटोरियल का। अगर आप इनका ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आप सीधे एल्बम पे क्लिक कर दीजिए। एल्बम पे क्लिक करने के बाद आप अपनी गैलरी से कोई भी एक फोटो ले लीजिए। मान लीजिए आपने कोई फोटो क्लिक किया है और उसके बैकग्राउंड में आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके फोटो को जो है बेकार करती हैं, और तो आप उनको हटाना चाहते हो, तो बिना फोटो को कोई इफेक्ट पहुंचाए आप कैसे करके उनको रिमूव कर सकते हो, तो ये एप्लीकेशन उसी काम में आता है। ठीक है, तो मैं यहां पे जो है इस फोटो के अंदर जो क्लॉक दिख रहे हैं आपको, इनको रिमूव करने वाला हूं। ठीक है, आप देख सकते हो ये बीच में तीन क्लॉक है, तो मैं इनको कैसे करके रिमूव करूँगा आप ये देख लीजिए। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट रिमूवल पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको जो जितने बीच में जो भी चीज़ आपको हटाना है उस पर अच्छे से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से सिलेक्ट करना, आपको कोई भी जो है एरिया रहना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद में चलिए मैं आपको बता दूँ क्या करना है। देखिए, मैंने अच्छे से सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो गो का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो गो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप गो पे क्लिक करोगे तो वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाएगी। आप देख सकते हो वो चीज़ वहाँ पे नहीं रही, वहाँ से गायब हो गई। ठीक है, तो यार ये काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन है। आप अपने फोटो को बिना कोई इफेक्ट पहुँचाए उसमें से कोई भी चीज़ हटाना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से हटा सकते हो। और ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर 125 रुपीज़ का है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ फ्री में कैसे करके डाउनलोड करना है। मैंने एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, आप उस पर क्लिक करके सीधे मेरे ब्लॉग पर चले जाएंगे। मैंने इसके बारे में छोटा सा आर्टिकल लिखा है, अगर आपको पढ़ना हो, अच्छा लगे तो आप पढ़ सकते हो। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आपको वहां पे सीधे एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, आप सीधे वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, कहीं भी थोड़ा बहुत भी यार वीडियो पसंद है तो प्लीज यार इसको एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज यार इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ढेरों सारे ऐसे वीडियो आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूं। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।